हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे अभी के टाइम पर बैटरी की जो अत्यधिक खपत हो रही है उसे कैसे कम करना है, क्योंकि अभी के टाइम पर एप्पल, ओप्पो, आईफोन, रियलमी, सैमसंग मोबाइल ज्यादा यूज हो रही है और इसका अत्यधिक इस्तेमाल गेमिंग, खेलना और वीडियो एडिटिंग में होता है, जिससे बैटरी की पावर बहुत जल्द लॉस होता है। सारी जानकारी आपको मोबाइल से बताऊंगा, क्योंकि कंप्यूटर से बताऊंगा तो आपको समझने में परेशानी हो सकता है और आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फोन में कुछ गड़बड़ हो गई तो वगैरह वगैरह तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम से स्मूथली और बेसिक तरीके से 5G की स्पीड में बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन के सेटिंग पर चले जाना है। यहां आने के बाद आपको नीचे में अबाउट डिवाइस दिखेगा, उस पर प्रेस करना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे में आपको एक सेटिंग दिखेगा वर्जन करके, इस पर आपको टैप करना है। इसमें टैप करने के बाद आपको सबसे ऊपर में दिखेगा बिल्ड नंबर, तो आपको इस बिल्ड नंबर पर 7 बार प्रेस करना है। इतना करने के बाद आपको 2 बार बैक आ जाना है। इसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग मिलेगा, एडिशनल सेटिंग पर आपको प्रेस करना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, तो डेवलपर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है, यहाँ पर आपको नीचे में ढूंढना है सेलेक्ट USB कॉन्फ़िगरेशन, तो ये रहा सेलेक्ट USB कॉन्फ़िगरेशन, इस पर प्रेस करना है। इतना करने के बाद आपको ऊपर में देखना है, चार्जिंग पर नहीं है तो आपको चार्जिंग पर लगा देना है। ये पहले से MTV पर है, इसे आपको चार्जिंग पर रखना है। इतना करने के बाद आपको फिर से 2 बार बैक हो जाना है और बैक होने के बाद आपको फिर से एडिशनल सेटिंग पर आकर चेक करना है कि चार्जिंग पर लगा है या नहीं। फिर से आपको डेवलपर ऑप्शन पर जाना है। यहाँ आने के बाद फिर से आपको उसी को ढूंढना है, सेलेक्ट USB कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर नीचे पर है और ये रहा, और देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी चार्जिंग पर लग चुका है। प्रेस करके दिखा देता हूँ, ये देखो चार्जिंग पर है। तो कंफर्म करने के लिए आप इसी तरह से वापस आ सकते हैं। इसके बाद आपको बैक हो जाना है, आपका काम हो गया। इसके बाद आपको फ़ोन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे सिस्टम अपडेट करने के बाद कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, ठीक उसी तरह अपने फ़ोन को भी रिस्टार्ट करके चार्ज पर लगाना, जिससे क्या होगा, फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी चार्ज होगा और लंबे समय तक टिकेगा। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना, फ़ोन को स्विच ऑफ करके चार्जिंग पर नहीं लगाना है। इससे क्या होता है, चार्जिंग तो फास्ट होता है, साथ ही उसकी पावर कैपेसिटी गर्म होकर कमज़ोर हो जाता है, जिससे फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। तो दोस्तों आज की छोटी सी जानकारी के साथ आज का वीडियो यहीं तक लास्ट होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।